हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 28 और 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इंडिया की पहली पूरी की पूरी लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है? इसका मतलब कि हर एक वार्ड में क्या है, लाइब्रेरी है वहाँ पे। तो ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका नाम है धर्मादम, जो कि कहाँ पे है, केरला में है। नाउ केरला के जो सीएम है पिनाराई विजयन, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, उनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्लस यहाँ पे जो 138 वार्ड्स हैं, ईच वार्ड हैज़ इट्स ओन लाइब्रेरी, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर वार्ड में अपनी अपनी लाइब्रेरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इनोवेटिव बात है। बाकी आप देखें तो शहरों में एक लाइब्रेरी होती है, जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, दैट्स इट। वो भी इतने बुरे हाल से भरी होती है कि क्या कहने। बट हर एक वार्ड में लाइब्रेरी का होना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, तभी वहाँ पर इतना ज़्यादा साक्षरता दर भी है ना। चलिए, ये हो गया आपका, सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहले वाला, तो आपने याद रखना है। सेकेंड है MD एंड CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके बारे में ज़्यादा एसएच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपॉइंटमेंट है न्यू तो फिर आ सकता है एग्ज़ाम में कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। तो याद रखना है PN वासुदेवन बने हैं, इनका टर्म एक्सटेंड हुआ है, मतलब पहले भी यही थे तो इनकी फिर से रीअपॉइंटमेंट हुई, एक तरह से इनका फिर कह लीजिए टर्म में एक्सटेंशन मिली है, ठीक है। थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय, अभी एक पोर्टल है जिसका नाम है खेलो इंडिया डैशबोर्ड। ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। अब ये पोर्टल क्या बोलता है, तो वैसे तो आपको नाम से आइडिया लग जाना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। नाउ दिस पोर्टल हैज़ ऑल द स्टेटिस्टिकल डेटा रिलेटेड टू खेलो इंडिया स्कीम एंड ऑल द खेलो इंडिया इवेंट्स। अभी तक कहाँ कहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स हुई, कौन उसमें विनर रहा, सारा का सारा उसका स्टेटिस्टिकल डेटा, सारे के सारे स्कीम और इवेंट्स से रिलेटेड डिटेल्स हमें मिल जाएंगे खेलो इंडिया डैशबोर्ड में, और जो आम आदमी है वो भी वहाँ पे जाके उस सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो खेलो इंडिया डैशबोर्ड याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, खेले हैं मतलब खेलों से रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक भी करते रहिएगा वीडियो को, राइट। चलिए आगे चलते हैं और आज का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC हैज़ प्रोवाइडेड अ $400 मिलियन लोन टू। सोचने वाली बात है। अब जो ये IFC है, पहली बात IFC क्या है, वर्ल्ड बैंक्स इन्वेस्टमेंट फर्म। ये एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक की एक फर्म है जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। तो वर्ल्ड बैंक कह लीजिए, IFC कह लीजिए, एक ही बात है। ब्रॉड लेवल पे हम बात करेंगे कि ये वर्ल्ड बैंक है, और नैरो लेवल पे ज़्यादा नॉलेज के लिए हम कहेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। तो अब इसने क्या किया है, $400 मिलियन का लोन दिया है, कौन से बैंक को, HDFC बैंक को। क्यों दिया है, टू ड्राइव इंडियाज ग्रीन हाउसिंग ग्रोथ। इंडिया में जो ग्रीन हाउसिंग ग्रोथ है, जो ग्रीन हाउसिंग का कंसेप्ट है, इसको बढ़ाना है। अब ग्रीन होम्स क्या होते हैं, ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है ग्रीन हाउसेस मतलब हरा हरा पेंट होगा, हरा हरा सब कुछ होगा, बट वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ग्रीन होम्स क्या होते हैं, ओपन एयर एंड फुल ऑफ लाइट, खुले डुले घर होते हैं, हवादार घर होते हैं, उनमें लाइट जो है वो हर एक कमरे में लाइट, समझते ना आपके प्रकाश वाले कमरे होते हैं, लाइट वाले कमरे होते हैं। इससे क्या होता है, दस सेव्स मनी ऑन हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब हमें लाइट नहीं ऑन करनी पड़ेगी, लाइट हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, कार्बन प्रोड्यूस होता है ना, पॉल्यूशन होता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचेगा, वो प्रोडक्शन में ही होगी पॉल्यूशन की, एंड आपको कहते हैं ना वो नेचुरल लाइट मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है, प्रोवाइड मैनी हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो, हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। कॉजेज लेस डैमेज टू एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को भी अलग डैमेज होने से बचता है। अब एक ही चीज़ है वो अलग अलग शब्दों में बयान कर की है गूगल ने, वही चीज़ मैंने यहाँ भी की है, ठीक है। चलिए आज का फिफ्थ पॉइंट है, 30th एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस पुरस्कार के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा देख लेते हैं। गिवन टू स्वस्ति सिंह, स्वस्ति सिंह को दिया गया है। कौन है वो, शी इज़ एन इंटरनेशनल साइक्लिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइक्लिस्ट है। स्वस्ति सिंह इंडियन है, फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह, जो कि उड़ीसा से हैं, उन्हें दिया गया है। क्यों दिया गया है, ऑनर्ड फॉर हर परफॉर्मेंस एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो भी कोई इवेंट होगा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा इन्होंने, तो उससे रिलेटेड इनको ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो याद रखना है, एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह उड़ीसा, दैट्स इट।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, राइट। तो बस मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ नोट्स को बनाने के लिए। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इधर उधर से डेटा ढूंढना पड़ता है, फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरी कोशिश रहती है सुबह 6-7 बजे तक मैं अपलोड कर दूँ, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और नोट्स ज़रूर बनाएँ। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 6th पॉइंट है 8th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। 8th एडिशन हो रहा है इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का, कहाँ पे हो रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है? साउथर्न इंडिया में एक स्टेट है। तमिलनाडु में कहाँ पे हो रहा है? कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? पोलाची में। ठीक है, तो याद रखना है इंटरनेशनल लेवल का बलून फेस्टिवल हो रहा है तमिलनाडु में, 8th एडिशन हो रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? सो तमिलनाडु टूरिज्म डिपार्टमेंट, यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, प्लस ग्लोबल मीडिया बॉक्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ये कोई संस्था होगी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट करती होगी, तो उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अब इसके बारे में ऐसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आने वाला, इतना ही आएगा कौन सा एडिशन हुआ, किसने करवाया ऑर्गेनाइज, या कहाँ पे हुआ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और इस वाले पॉइंट से नहीं बनता है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। 7th न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय, एक पोर्टल है जिसका नाम है अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट सिस्टम। तो ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मणिपुर के जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है N. बीरेन सिंह, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है पोर्टल। अब इस पोर्टल का एम क्या है? इट एम्स टू सेव द इंडिजीनियस पीपल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इंडिजीनियस क्या होता है? लोकल, जो वहीं के हैं एक्चुअल में। तो अब इस पोर्टल का नाम ध्यान से सुनिए, अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट सिस्टम। इनर लाइन मतलब कोई बाउंड्री है, वहाँ से अंदर आना है तो आपको परमिट चाहिए, ऐसा कुछ मतलब है। तो एम भी इसका ऐसा ही है कि जो लोकल, जैसे मान लीजिए ये हमारा मणिपुर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं सारे, जो भी इंडिजिनस वहाँ की पॉपुलेशन है, ट्राइब्स हैं, जो भी हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करके रखना, मतलब बाहर से किसी ने आना तो वो परमिट लेके आए, ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है, अब ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसके बारे में ऐसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप बहुत डेप्थ में किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप ज़रूर देख सकते हैं। 8th न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक सेंटर की बात की गई है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ओपन्ड इन। अब जो ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है कहाँ पे खोला गया है? उडुपी कर्नाटका में खोला गया है। इनॉग्रेटेड बाय, इसका उद्घाटन किसने किया है? सो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि कौन है? अनुराग ठाकुर। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। यहाँ देखना है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर उडुपी कर्नाटका, और इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल तमिलनाडु कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट पोलाची। चलिए इसी के साथ, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं और आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कंपनी टू गेट डबल सर्टिफिकेशन बाय DGCA। तो देखिए, इंडिया की पहली ड्रोन कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है, ऐसी एक कंपनी को डबल सर्टिफिकेशन मिला है DGCA के द्वारा, और इसी के साथ वो बनी है इंडिया की पहली ऐसी कंपनी। नाउ ड्रोन, आप आई होप आपको पता होगा जो शूटिंग वगैरह होती है ना, ड्रोन के थ्रू होती है। प्री वेडिंग है, पोस्ट वेडिंग है, वेडिंग है, ड्रोन्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे, है ना। कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है, रिटायरमेंट है, वहाँ भी आपको ड्रोन्स करते क्या एक्चुअल में, कि छोटा सा जहाज होता है उसमें कैमरा फिट किया होता है, छोटा सा आपने देखा होगा जहाज जैसा होता है, तो वो इधर उधर घूमता रहता है और हर एक एस्पेक्ट जो होता है घर का या फंक्शन के हॉल का, बैंकेट हॉल का, उसको कवर करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैंने आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझा दिया कि ड्रोन क्या होता है। ठीक है, तो वैसी ही ड्रोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, ड्रोन मेकर कंपनी। तो इन्हें मिली है डबल सर्टिफिकेशन, मतलब दो सर्टिफिकेट्स मिले हैं DGCA से। DGCA के बारे में बाद में पढ़ते हैं, बट पहले ये जान लेते हैं कि गरुड़ा एरोस्पेस को मिला क्यों है सर्टिफिकेशन। फॉर इट्स इंडिजिनियसली डिजाइन किसान ड्रोन, इन्होंने किसानों से रिलेटेड एक ड्रोन बनाया है, तो बस उसके लिए, जो इन्होंने अलग से एक आइडिया निकाला है उसके लिए सर्टिफिकेशन मिला है। नाउ DGCA क्या है, पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कब बना, क्यों बना, किसके रिकमेंडेशन, याद करने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो DGCA टाइप सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी चेक ऑफ ड्रोन्स एंड इज इशूड आफ्टर अ रिग्रस टेस्टिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि DGCA से जब हमें सर्टिफिकेशन मिलती है तो बहुत सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं ड्रोन्स के, ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा कंसेप्ट है दे दिया, ड्रोन्स के बहुत सारे क्वालिटी चेक होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी बहुत लंबा टेस्टिंग प्रोसेस होता है, खतरनाक, कठोर, रिग्रस का मतलब होता है कठोर, टफ सा एक टेस्टिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद ही सर्टिफिकेशन दी जाती है। ठीक है, तो गरुड़ा एरोस्पेस मेन चीज़ें याद रखनी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज की 10th न्यूज़ पढ़ते हैं।
के एस रंगप्पा के बारे में पढ़ेंगे। ऑनर्ड विद अ फेलोशिप, अब इन्हें फेलोशिप दी गई है किसकी, यूनेस्को वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज TWS, मतलब यूनेस्को की जो वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस है उनकी फेलोशिप दी गई है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में है कौन, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। अब इसके बारे में क्या ही पढ़ना, बस मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, के एस रंगप्पा को फेलोशिप मिली है किसकी, या यूनेस्को की वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलोशिप किसको मिली है, के एस रंगप्पा, क्वेश्चन आपका इतना ही आएगा, राइट। चलिए, इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट। एंड आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, एंड नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको प्राइसिंग डिटेल्स भी दे दी जाएंगी। तो चलिए, अगर परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 11th पॉइंट है, USA टू प्रोवाइड इट्स पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन। अब USA क्या कर रहा है, एक डिफेंस सिस्टम, एक मिसाइल जो है इन्हें प्रोवाइड करवा रहा है किसको, यूक्रेन को, ताकि वो अपनी सेफ्टी पे ज़्यादा गौर कर सकें, बस यही सब है। तो याद रखना है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आप चाहें तो इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन बनता है, USA दे रहा है यूक्रेन को दे रहा है और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, बस, है ना। साथ में देखिए USA कहाँ पे, इसके कैपिटल क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, इसकी क्या कैपिटल है, बहुत फेमस रही है इन दिनों। चलिए, आज का 12th पॉइंट है, CCEA इंक्रीजेस द MSP फॉर कोपरा फॉर 2023 सीजन। बहुत भारी भरकम हो गया। तो CCEA क्या है, यहाँ पे देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट CCEA क्या है, कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, एक कमेटी है। तो इन्होंने क्या किया है, प्राइस बढ़ा दिए हैं MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोपरा के लिए बढ़ा दिया। मतलब कि कोपरा क्या है, कोपरा के बारे में पढ़ेंगे, एक तरह से एक सूखा हुआ हिस्सा होता है नारियल का, ठीक है, गरी भी बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, नारियल का एक सूखा हुआ हिस्सा होता है जिससे तेल, नारियल का तेल जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है 2023 सीजन के लिए। अब MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब अगर रख दिया कि 10 रुपये किलो बिकेगा या 10 रुपीज़ KG अगर हम बोलें ज़्यादा प्रोफेशनल वे में, तो उस हिसाब से बिकेगा अगर, तो 10 से कम उसको कोई नहीं खरीद सकता, चाहे वो सब्जी मंडी वाले ही क्यों ना हो, ठीक है। समझते हैं कि मतलब किसानों के लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि उनको श्योरिटी हो जाती है कि आपने इतना काम किया तो आपको इतने रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो खराब ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाला कुछ नहीं है। फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी, जो एवरेज क्वालिटी का कोपरा है उसके लिए पर क्विंटल 10,860 रुपये का वो बिकेगा कम से कम, मतलब पहले से 270 रुपये इस पर बढ़ गए हैं। एंड फॉर बॉल कोपरा भी होता होगा कुछ, है ना, टाइप्स होते हैं, तो इसके लिए 11,750 रुपये पर क्विंटल बिकेगा, इसमें 750 रुपये इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे कोपरा, अभी ना आप याद रख सकते हैं, एवरेज के लिए 10,500 के आसपास है, बॉल कोपरा के लिए 11,500 के आसपास है। नाउ कोपरा क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया है, द ड्राइड पीस ऑफ कोकोनट फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, सूखा हुआ हिस्सा जिससे हम तेल निकालते हैं नारियल का, ठीक है। चलिए, तो बहुत हो गया डिटेल में। नाउ CCEA, ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो इसका भी बड़ा रोल रहता है, हम पढ़ते हैं वहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इश्यू प्राइस क्या है ना। चलिए पहले CCEA के बारे में जान लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय PM, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस को ही फिक्स कर देता है। फिक्स करके होगा क्या कि किसानों को हेल्प हो जाती है कि हमारा सामान कम से कम इतने का जाएगा ही जाएगा, है ना, उन्हें नुकसान नहीं होता। अदरवाइज सब्जी मंडी जो थोक में लेते हैं किसानों से सामान को, वो बहुत कम प्राइस में लेते हैं, तो इससे किसानों का जो उन्होंने खर्चा किया होता है वो भी नहीं निकल पाता, फायदा तो क्या ही होना, है ना। तो ये सरकार की एक स्कीम है कि जिसके थ्रू किसानों को है कि उनका थोड़ा सा उनको प्रॉफिट हो जाए, बस इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नाउ PM इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ CCEA। अब हमने पढ़ा कि इसकी चेयरमैनशिप PM के पास होती है, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ इस पोस्ट, इस पोस्ट पे जो भी आएगा वो खुद से बन जाएगा PM जो है वो खुद से बन जाएगा चेयरमैन CCEA का। इट ऑल्सो मॉनिटर्स प्राइस कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स, उनका प्राइस भी यही मॉनिटर करता है, राइट। तो काफ़ी खतरनाक सा क्वेश्चन था, बट हमने पढ़ लिया है, आगे चलते हैं।
आज का 13th पॉइंट पढ़ते हैं। आई होप आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब फटाफट से वन लाइनर से फटाफट से इनको पढ़ते हैं। 13th पॉइंट है 28th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 28वां एडिशन हुआ है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ऑब्वियसली कोलकाता में हुआ होगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? दो मूवीज़ को दिया गया है। पहली है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स जो कि बांग्लादेश की है, और दूसरी है अपॉन एंट्री जो कि स्पेन की है। तो याद रखना है बांग्लादेश एंड स्पेन, क्योंकि गोल्डन विंग्स अपॉन एंट्री ये तो हम वहाँ देख के भी टिकमार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए 14th पॉइंट की तरफ आते हैं। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस या नेशनल यूथ फेस्टिवल कह लीजिए 2023 का कहाँ पे होगा? तो ये होगा हुबली धारवाड़ ट्विन सिटीज़ जो हैं कर्नाटका में, वहाँ पे इनॉग्रेशन इसका कौन करेंगे? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अब अगर नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस या फिर कह लीजिए फेस्टिवल जो है 2023 का कर्नाटका में होगा, तो 2022 का कहाँ पे हुआ था? पुडुचेरी में हुआ था। इन कनेक्शन विद द बर्थ, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इन कनेक्शन विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो जयंती होती है ना, जन्म जयंती कुछ ऐसा कहते हैं, बर्थ मतलब उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसकी याद में, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी की यादगार में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इनके बर्थडे पे नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब 15 पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी और भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, दो दिन के करंट अफेयर्स है, हल्का सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मैम ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं, तो बस मैंने ज़्यादा इनकॉर्पोरेट ना करने की कोशिश की है, बट इंपॉर्टेंट तो अब देखिए पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो 15 पॉइंट है एच केश मूर्ति कौन है वो भी पढ़ेंगे, बट इनसे रिलेटेड बात ये है दैट ही पास्ड अवे रिसेंटली। अगर आप पहले से मुझे पढ़ते आ रहे हैं मेरे थ्रू, तो आपको पता होगा PAR में शॉर्ट में लिखती हूँ, पास्ड अवे रिसेंटली। एच केश मूर्ति पद्मश्री अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी थे। गमा का एक्सपोनेंट, गमा का जो संगीत का टाइप होता है इसके प्रतिपादक थे। ऑर्नामेंटेड नोट, गमा का क्या होता है? ऑर्नामेंटेड नोट, आई नो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, बट इसमें क्या है ना, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा जो म्यूजिशियंस होते हैं या फिर आपने कभी मूवी में देखा होगा, वो पियानो बजाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, कई बार ऐसा कुछ रखा होता है कागज़, फिर उसको देख के बजा रहे होते हैं। तो वही है कि उसको जो प्ले करते हैं ना उनको देख के, तो ये होते हैं उनके नोट्स, इन नोट्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम मैं कॉपी में पढ़ रही हूँ पद्मश्री अवार्ड, मुझे पढ़ने आ रहा है, तो ये उनकी सी लैंग्वेज होती है, उनको पता चलता है इसका, तो ये ऑर्नामेंटेड नोट्स होते हैं। ठीक है, तो बस गमाका जो है म्यूज़िक इसके प्रतिपादक थे। अब गमाका म्यूज़िक जो है इसको काव्य वचन भी कहा जाता है, इसका ओरिजिनेशन कर्नाटका में हुआ है, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग बाय सिंगिंग, गाने के थ्रू गाना गा के किसी कहानी को सुनाना, इस तरह की फॉर्म है हमारा गमाका म्यूज़िक। ठीक है, तो चलिए हमारे 15 पॉइंट हो गए कंप्लीट। एंड अगले पेज पे जाने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, तो हमारा 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। आज का 16th पॉइंट है बॉम्ब साइक्लोन हिट्स द USA एंड कैनेडा। अब एक साइक्लोन का नाम रखा गया है बॉम्ब साइक्लोन, कौन से देशों के तटों पर ये आया? तो USA और कैनेडा के इस पे आया है। ये क्या है? एक स्टॉर्म है दैट इंटेंसिफाइड वेरी क्विकली, एक स्टॉर्म है ठीक है, जो मतलब बहुत क्विकली फैल गया। तो बस इतना याद रखना है आपने कि बॉम्ब साइक्लोन USA और कैनेडा में आया। ठीक है, आज का 17th पॉइंट है वेस्ट बंगाल्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्लैग विल बी फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी ऑन December 30th। एक दो दिनों के बाद जो हमारे वेस्ट बंगाल है वहाँ पे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया जाएगा, इसका उद्घाटन करेंगे, इसका शुरुआत जो होता है ना, मतलब शुरुआती जब पहली बार चलेगी तो वो इनॉग्रेशन होगा PM मोदी जी के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? होवरा से जलपाईगुड़ी रूट तक चलेगी। अब वेस्ट बंगाल से जो उनको ज़्यादा पता होगा इस रूट के बारे में। तो चलिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी हो गया। अब ये है हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर, एंड देन इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट। तो थोड़े ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट स्टेट, सो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट, पहला ये पहला वो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट टू ह्यूमेनाइज इट्स प्रिजंस, पहली ऐसी स्टेट जहां पे प्रिजंस को ह्यूमेनाइज किया गया है। ह्यूमेनाइज का मतलब क्या होता है?
यहाँ पे देखिए, ह्यूमेनाइज का मतलब होता है मेकिंग समथिंग मोर ह्यूमेन और सिविलाइज्ड, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सभ्य बनाना, ज़्यादा अच्छा बनाना, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। ये समझ गए ह्यूमेनाइज क्या होता है, मेकिंग समथिंग मोर ह्यूमेन और सिविलाइज्ड। अब वापस आते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। यहाँ पे बात की गई है कि पहली स्टेट कौन सी बनी है जहाँ पे प्रिजन्स यानी जेलें जो हैं, प्रिजन आप समझते ना, उनको ह्यूमेनाइज किया गया, मतलब जो कैदी वहाँ पे रहते हैं उनके लिए जेलों को थोड़ा अच्छा बनाया गया, थोड़ी साफ़ सफाई रखी जाएगी, थोड़ा सभ्य व्यवहार किया जाएगा, थोड़ा अच्छा बनाया जाएगा, कंडीशंस अच्छी होंगी, हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये सब कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से एंटर करती है, हमने पढ़ा था जब हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम वहाँ पे। तो चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे फिर असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इस तरह से आता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को ड्रॉ किया है, एक हल्का सा, अब ऐसा मत कहना जो अरुणाचल प्रदेश से मैम एग्जैक्ट नहीं बनाया, हो जाता है, रफ सा मैंने बना दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। लार्जेस्ट ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय एरिया, नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे जो सेवन सिस्टर स्टेट्स कही जाती हैं उनमें सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी, अरुणाचल प्रदेश। इट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, मतलब कौन से ईयर में ये स्टेट बनी है, 1987 में। कैपिटल क्या है इसके, ईटानगर। सीएम कौन है, पेमा खांडू। गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। अगर देखिए आप अभी अगर आपको मेरी वीडियो मिली है, मतलब अभी से आपने करंट अफेयर्स लिखने शुरू किए हैं, तो ऐसा मत करना कि सीएम गवर्नर हर स्टेट के याद करने लगे, नहीं, जो बार बार न्यूज़ में आते हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। और जैसे न्यू बने हैं भूपेंद्र पटेल गुजरात के, तो वो आपको याद हो जाएंगे, है ना, यहाँ हिमाचल के नए बने हैं ये आपको याद हो जाएंगे। तो जो बार बार रिपीट होते हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, और जो नहीं होते रिपीट, मतलब वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, उनको आपको रटने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश वॉज फाउंडेड इन 1987, इट्स कैपिटल इज सिचुएटेड इन ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर इज बीडी मिश्रा, और मेन ट्राइब्स यहाँ की कौन कौन सी हैं, ये तो हम अलग से पढ़ेंगे एक टॉपिक ट्राइब्स वाला, वहाँ पे मैं इसको कवर कराऊंगी, बट फिलहाल थोड़ा सा देख लीजिए, सिंफो, गालो, तागिन, अपातनी आदि, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग, अब हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ये अपनी बाउंड्री और कौन कौन सी इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करता है किसी और कंट्री के साथ, मतलब। तो देखिए नॉर्थ में आता है इसका चाइना, वेस्ट में आता है भूटान, और कह लीजिए इस वाले पार्ट में आता है, कौन सा पार्ट हुआ, साउथ ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे आता है म्यांमार। तो तीन बाकी यहाँ पे बच गया हमारा अपना इंडिया, है ना, तो इंडिया को तो नहीं काउंट करेंगे। तो भूटान, चाइना, म्यांमार, तीन कंट्रीज के साथ शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्रीज, ठीक है, भूटान, म्यांमार, चाइना। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर भी हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने नोट्स बनाए हो, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने नोट्स कंप्लीट करें, करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि लास्ट में आपको मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी, तो आप इसको दें आधा एक घंटा दिन में, ठीक है। उसके अलावा जो आपके बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, रिवीजन पे फोकस करें, अपने हल्के फुल्के नोट्स बनाएं, ऐसा नहीं बहुत मतलब लगे हैं बनाने आराम से, है ना, 10 पेजों पे एक पेज अगर आपका नोट्स का बनता है तो वो प्रॉपर नोट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा कंटेंट हो गया कंप्लीट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।